अर्ज किया है, वो गुलाबों की तरह खिलेगा क्या जो चरागों की तरह जला ही नहीं। देखिए, जिंदगी के अंदर बहुत बार कुछ ऐसे मकाम हमारे सामने भी आए हैं जहां हमें कुछ हार्ड कंडीशंस का सामना करना पड़ा है। जैसे मैं आपको एक अपने बचपन की बात बताऊं कि एक बार कुछ ऐसा ही था कि मैं अपने पढ़ाने वाले के पास गया और उनसे मैंने एक सवाल पूछा और उन्होंने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मुझे डांट के भगा दिया और मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं उस वक्त पहली बार जिंदगी में बहुत बड़ा एक आश्चर्यचकित हुआ था कि आखिर ये मेरे साथ क्या हुआ। एक बार ऐसे ही कॉलेज में पहुंचे, किसी ने मुझसे मेरा नाम पूछा और मुंह से शब्द ही गायब हो गए, शब्द मुंह में थे ही नहीं। ये हो क्या रहा था? मैं नाम बोल रहा था और नाम ही गायब हो गया। नाम गुम जाएगा वाला जो गाना था बिल्कुल सही साबित हुआ। एग्जामिनेशन सेंटर में मैं बैठा हुआ न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा था और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू में भूल गया। मींस 6.02 × 10⁻³। तो वहां कंफ्यूजन हो गया कि ये +23 या -23। ये वो गलतियां हैं जो मैंने भी की हैं और हो सकता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे इस तरह की गलतियां करते होंगे। और फिर एक बार एग्जामिनेशन में ऐसे ही मुझे लगा कि भाई मुझे सब कुछ आता है। कॉलेज में सबसे ज्यादा मार्क्स थे, हाईएस्ट मार्क्स थे, तो मुझे लगा कि भाई ठीक है, ये तो मुझे आता है। और एग्जामिनेशन प्री बोर्ड एग्जामिनेशन हमारे थे उस वक्त और मैं जस्ट चीजों को पढ़ के चला गया, चैप्टर को जस्ट रिवाइज किया। एक कॉन्फिडेंस था और उस कॉन्फिडेंस के अंदर मैं एग्जामिनेशन में गया और एग्जामिनेशन में मेरा क्या हाल होना था आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। उस एग्जामिनेशन में मेरे बहुत कम मार्क्स रहे क्योंकि मैं हर स्टेप पे कंफ्यूजन का शिकार रहा। जैसे एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू के बारे में बताया मैंने आपको कि +23 -23, इस तरह से बहुत सारी जगह मैं अपनी इन उलझनों में उलझा रहा कि ये आएगा वो आएगा, ये होगा वो होगा। और उलझनों का तो एक ही जवाब है कि जाल में फंस जाना और जाल में फंस जाने के बाद आखिर अंत में कुछ भी नहीं मिलना और परिस्थितियों का शिकार हो जाना। कुछ ऐसा ही मेरे साथ उस वक्त हुआ। और जहां तक मुझे पूरी उम्मीद है आप में से मैक्सिमम बच्चा इस तरह की जाल के अंदर फंसता है, शिकार बनता है और रोजाना किसी न किसी तरह के उल्हाना उसको सुनना पड़ता है। अपने हिसाब से हर एक बच्चा कोशिश करता है कि भाई मुझे बेस्ट करना है, मुझे सबसे अच्छा करना है। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि सामने से अक्षर गायब हो गए। अक्षर हमें याद है तो उनका मीनिंग याद नहीं है। कुछ ना कुछ इस तरह से कभी ना कभी आप सभी के दिमाग में आधा चला जाता है और आप उसी उलझनों में लगातार एक नेगेटिव थिंकिंग का शिकार होते चले जाते हैं और सक्सेस आपसे बहुत दूर जाती जाती है। क्योंकि इंसान तो इंसान है, लगातार फेलियर मिलेगा तो उसके अंदर वो परेशान तो होगा ही। लेकिन मैं आपसे एक बात यही कहूंगा कि वो गुलाबों की तरह खिलेगा क्या जो चरागों की तरह जला ही ना हो। मुश्किलें आएंगी, मुश्किलें आई हैं, आप अपनी जगह पे अड़िग खड़े रहें और परिस्थितियों का मुकाबला करें। एक सबसे बड़ी समस्या जो बच्चों को जनरली देखने में मिलती है वो है कि उन्हें कुछ याद नहीं रहता, मेमोरी का इशू बना रहता है। अरे बच्चों, एक बात सोच के तो देखो, क्या आपको ये याद नहीं कि मार्केट में क्या चीज नई आई है? क्या आपको ये याद नहीं कि मोबाइल में लास्ट मैसेज किसका आया था और क्या आया था? क्या बचपन में सुनाई गई कहानी आपको याद नहीं? क्या एक बार सोच के देखो, बचपन में किस बच्चे ने आपकी स्कूल में पिटाई की थी या आपने किस बच्चे की पिटाई की थी? क्या ये बात आपको याद नहीं? याद है, 100% याद है। यानी मेमोरी हमारे ऊपर डिपेंड करती है। जिस चीज में हम इंटरेस्ट लेंगे हमें वो चीज हमेशा के लिए याद रहेगी और जिस चीज में हमारा इंटरेस्ट ही नहीं होगा हम उसे हमेशा मेमोरी का शिकार बना डालेंगे
और हम यही कहेंगे कि भाई ये तो हमारी मेमोरी में नहीं है, आपको पहले पढ़ाई के लिए इंटरेस्ट डेवलप करना होगा। पढ़ाई के लिए इंटरेस्ट कैसे डेवलप करना होगा? देखो हमारे वक्त की बात है, हम ये सोचा करते थे कि भाई पढ़ेंगे लिखेंगे और एक मोबाइल खरीदेंगे, एक कलर टीवी खरीदेंगे और एक बाइक खरीदेंगे, और एक ये मोटिवेशन हुआ करता था हमारे पास जिसकी वजह से हम दिन रात पढ़ते थे। जरा सा ध्यान डाइवर्ट होता था, हम एकदम से कलर टीवी की तरफ सोचते थे, मोबाइल की तरफ सोचते थे, और फिर एक अपने अंदर से ही मोटिवेशन मिलता था पढ़ाई का, और हम उस वक्त खूब पढ़ाई किया करते थे। अगर आप में से कोई बच्चा ये कहे कि उसके पास समय नहीं है, तो भाई कम से कम हम साइंस से पढ़े हुए लोगों के आगे तो इस बात को ना कहें, क्योंकि हम ऑलरेडी उस समय से निकल के आगे आए हैं। आपको अपना एक सेल्फ मोटिवेशन डेवलप करना होगा, जिसे आपका मोटिवेशन हो सकता है कि भाई मुझे अमेरिका जाना है, मुझे यूएस यूके जाना है, या मुझे अपनी कंट्री के अंदर ही आईआईटी में एक बहुत बड़ी पोजीशन को लेना है, या मुझे पढ़ाई करनी है, मेरी पढ़ाई का मकसद है कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, जॉब पे जाना है, इज्जत कमानी है, और फिर एक हवाई जहाज परचेज करना है। अरे सोचो तो बड़ा, सोचो ना, क्या छोटा मोटा सोचना हमारी तरह की बाइक खरीदेंगे। आप तो नई जनरेशन है, आप तो हवाई जहाज का सोच सकते हैं। आप सोचें इस बात को कि भाई अगर मैं पढ़ूंगा लिखूंगा तो मैं उस चांद तक पहुंच पाऊंगा जिसके बारे में बचपन में मैंने कहानियां सुनी थी। कुछ ना कुछ ऐसा मोटिवेशन रखना होगा किसी के लिए कि सपोज मैं ऐसे पढ़ूंगा तो मेरे पेरेंट्स खुश हो जाएंगे, मेरे दोस्त खुश हो जाएंगे, या कोई भी खुश हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ मोटिवेशन अपने अंदर आपको डेवलप करना होगा। जब एक बार मोटिवेशन आपके अंदर डेवलप हो जाएगा तो पढ़ाई करंट की तरह दौड़ने लगेगी, एकदम से सभी चीजें ऐसा हो जाएगा कि भाई मुझे ये भी करना है और मुझे वो भी करना है एटसेट्रा। मेमोरी का जहां तक इश्यू है, एक सिंपल सी एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इस एक्सरसाइज पे एक हफ्ता भी वर्क कर लेंगे तो मेमोरी अपने आप डेवलप होना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले तो मैंने कहा कि आपको मोटिवेशन डेवलप करना है, मोटापा डेवलप नहीं करना, मोटिवेशन डेवलप करना है, इस बात को ध्यान रखें। और फिर उसके बाद आप क्या करें, दीवार पे कोई इमेज है, कोई सीनरी है, आप एक मिनट तक या दो मिनट तक उस सीनरी को लगातार देखें, उसकी बारीकी को लगातार देखें। आप देखें उसमें कौन कौन चीजें हैं, क्या क्या ऑब्जेक्ट हैं उसके अंदर। एक या दो मिनट तक बड़ी बारीकी से आप उसको देखें और फिर आप पीठ पलट लें और एक कॉपी पे उस इमेज के बारे में लिखें कि भाई इसमें क्या क्या था, क्या क्या इसके मेन फीचर थे, क्या क्या कलर थे इस इमेज के अंदर। इस बात की आपको प्रैक्टिस करनी है। आप इसमें और गहराई में जाएंगे, आज आपने एक बार इमेज को देखा, कल आप किसी और इमेज की तरफ ध्यान देंगे, एक बड़ी सीनरी की तरफ आप ध्यान देंगे, आप उसको बहुत गौर से देखेंगे, उसकी बारीकियों को बहुत अच्छे से नोट करेंगे, फिर आप अपनी रियल टाइम सिचुएशन अपने मकान की तरफ देखेंगे कि भाई इसकी दीवारों पे क्या रंग है, क्या नहीं है, कौन सी पेंटिंग है, उस पेंटिंग की क्या खास बात है, अगर आप किसी कमरे में बैठे हैं तो उस मेज पे क्या क्या रखा हुआ था। ऐसी इन बारीकियों को आप लगातार एक मिनट तक ध्यान से देखेंगे और फिर आप अपने कॉपी पे उसको नोट करेंगे। इस तरह से आप देखेंगे कि आपकी मेमोरी इतनी जबरदस्त हो जाएगी, इतनी हम कहें कि इतनी विशाल हो जाएगी कि आप कभी किसी चीज को भूलेंगे नहीं। आपको यह याद रहेगा कि आपने ये वाक्य अपनी किताब के किस पन्ने पे पढ़ा था, कौन सी लाइन पे पढ़ा था, ये बात भी आपको हमेशा वहां पर याद रहेगी। तो जरूरी है आपके लिए इस मेमोरी डेवलपिंग एक्सरसाइज को करना। इसके अलावा आपको अपनी रीडिंग स्पीड को बढ़ाना होगा, वर्ड्स पर मिनट WPM अपनी रीडिंग स्पीड को बढ़ाएं। रोज 10 मिनट आप कोई भी अखबार लें, अखबार लेंगे तो उसके दो फायदे होंगे कि आपकी जनरल नॉलेज भी धीरे धीरे डेवलप होती चली जाएगी। अखबार में आप उसकी एक एक शब्द को पढ़ना शुरू करें और पर मिनट में आप देखें कि आप कितने शब्द को पढ़ पाते हैं, और धीरे धीरे अपने इस शब्द के पढ़ने की रफ्तार को आप बढ़ाएं। आप इस
चीज को कम से कम एक हफ्ता तक जरूर ट्राई करें। अगर एक हफ्ते तक आपने ईमानदारी से इस चीज को ट्राई किया तो आप देखेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस एकदम से बढ़ जाएगी, रॉकेट की तरह आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी और आप पहले से बहुत बेटर वे में काम करना शुरू करेंगे। तो पहला मंत्र है मोटिवेशन, दूसरा मंत्र है मेमोरी एनहांसमेंट एक्सरसाइज और तीसरा मंत्र है वर्ड्स पर मिनट। आपको ज्यादा से ज्यादा शब्दों को कम से कम समय में पढ़ने की कोशिश करनी है। देखिए बच्चों, इस जिंदगी के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, कौन क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। इस संसार में सारे ही डॉक्टर नहीं है, इंजीनियर नहीं है, वकील नहीं है, IAS नहीं है, लेकिन फिर भी दुनिया बहुत अच्छे ढंग से चलती है। आपका करियर आपके इंटरेस्ट और आपके मोटिवेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो पहले अपने आप को मोटिवेट करें और आप अपने करियर के बारे में सोचें कि आखिर आपको क्या चाहिए, वो कौन सी चीज है जिसमें आप अच्छे नहीं, जिसके अंदर आप बहुत अच्छे हैं। आप उसके बारे में विचार करें, उसके बारे में सोचें और फिर उसकी एक मोटिवेशन जब अंदर डेवलप हो जाएगा फिर आप उस पर आगे कार्य करें। आपको सफलता जरूर मिलेगी, इस बात को हम लिख के कह सकते हैं, ये आप हमेशा से इस बात को ध्यान रखिए। देखें, एक सिंपल सी बात है, किसी ने कहा है, कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो जरा तबीयत से उछालो यारो। तो बच्चों, ये वही पत्थर है आपका मोटिवेशन। अपने मोटिवेशन को आपने इतना विशाल बनाना है कि आपकी तरक्की को कोई कभी रोक ही ना पाए, खुद आप भी उस चीज को ना रोक पाए। कई बार हम साइकोलॉजिकली डिप्रेस होते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन आपका मोटिवेशन आपको डिप्रेस होने नहीं देगा। आपको अपने मोटिवेशन के लिए खुद ही अपने अंदर तलाशना होगा कि आखिर आपको क्या चाहिए, ऐसी क्या चीज है जो नॉर्मली इम्पॉसिबल है लेकिन आपको चाहिए, और उस मोटिवेशन को दिमाग में रखते हुए आप अपना कार्य करें, अपना काम करें, अपनी पढ़ाई करें, जो भी आप करना चाहते हैं आप उसको करें। देखते रहिए आगे आने वाले ऐसे और वीडियो लेक्चर्स के अंदर, हम ऐसी ही कुछ और बातों के बारे में डिस्कस करेंगे जो आजकल का विद्यार्थी जनरली अपनी स्कूल लाइफ में, सोशल लाइफ में फेस करता है, महसूस करता है। आगे हम कुछ और इन बातों पर चर्चा करेंगे।